थारे रिश्तेदार क्यों नहीं आंदे तेरे मम्मी, चलो थारे रिश्तेदार थारा साथ लेने तेरे राम राम जी सारे ने। और कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छी होगी और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज भाई मम्मी 4 बजे उठी थी और मैं भी जल्दी उठ गई थी, मैं तो थोड़ी लेट ही उठी भाई, सुबह उठ के ही नहीं जाना, पर मैंने कोशिश करी कि फिर भी उठ जाऊँ क्योंकि भाई आज मम्मी देखो सुबह सुबह चूल्हा पर रोटी बनाने लग रही है। राम राम जी सारे ने, मेरी और तो बहन भाई आना, और भाई मैं अंदर जाकर खाना बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी सब्जी और मम्मी बना लेंगी दाल, क्योंकि भाई आज मिस्त्री आएंगे वहाँ पे काम करने वाले, तो वो मेरी दादी का भतीजा ही है। उन्होंने बोला भाई कि देखो उनकी ना तो कोई वाइफ है और मतलब वो घर तक ले रहा है, तो वो नहीं बोल भाई मैं खाना को नहीं अपना ले आ सकता और मेरे साथ एक मजदूर आऊँगा वो भी नहीं ले आ सकता, तो दोनों की रोटी देनी पड़ेगी। तो मैंने नहीं सोचा था मतलब मैं देवा तो खैर दे गया होगा, उन्होंने कहा भाई तड़की ले आई हो कोई बात नहीं है, मम्मी स्कूल में तो जाओ ही है, तो वही आंदी आंदी खाना भी दे देगी और एक चाह का थर्मोस ले आ दियो, बाकी कुछ नहीं करना था मन ठंडी सी लेगा कोई वो नहीं है, तो हम तड़की दे दियो। तो हम सब सुबह तड़की तड़की आज करने लग रहे, मैं जल्दी जल्दी कर ले काम, फिर मम्मी ने स्कूल में भी जाना और मैंने गुन्नू भी तैयार करना, आज गुन्नू का जन्मदिन है, वही आज गुन्नू का जन्मदिन वाले दिन ही वही हमारा काम शुरू है, वही बड़े मिस्त्री लगेंगे, तो मैं अंदर अपना काम करने लग रही। मैंने सुबह शाम को तो याद ही नहीं रहा मेरे सब्जी मंगानी, फिर एक दाल मंगाई चने मंगाई, तो वही याद नहीं रहा। और भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि तेरा देवर ही तड़की तड़की करती है, भाई मेरी वीडियो फोन आया तो मेरे देवर मारे ही सोई करे, भाई कुछ दिनों मतलब 6-7 महीने हो गए मेरे देवर मारे ही सोई करे, मैं उनके मतलब कूलर को नहीं था, तो इफ चलो इतनी गर्मी रह नहीं रही है, पर कूलर अम्मा ने मतलब दिया था मेरे भाई ने, मदद करी थी मेरी, तो मतलब जब का मेरे देवर मारे ही सोया, मैं कुछ दिनों खूब ही सोचे कर मेरे दादी और दोनों बड़े बाहर गए थे मैं, तो मैंने दाल मंगाई थी डब्बों में खा ली मैंने, पर उससे पहले मैंने ये सामान भी प्याज फूल दाल कुछ भी रखी है मैंने, तो ये डब्बों में डाल दूँ बड़े बड़े डब्बों में। और भाई आज मेरे पर बोलिया बन जा रहा है क्योंकि मेरे मैंने ऐसा लगा मेरे बुखार सा होगा, मेरे गले में इतनी दर्द हो रही है आज बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ इतनी ठंड भी नहीं हो रही अभी आपके मेरे इतनी गले में दर्द हो रही, उड़ लगानी बहुत ज़्यादा हो रही है, तबियत मतलब पूरे शरीर में दर्द सी होने लग रही, मैंने पक्का पता है बुखार ही हो गया, ये डब्बे मैंने साफ करके रखे थे बिल्कुल, दो दाग है देखो जी, और साफ करते हैं बिल्कुल, फिर मैं डाल दिया दाल, फिर ये डब्बे भी बहुत पुराने, जब मेरी शादी हुई थी नई नई जब जाई थी मैं इन डब्बों को बहुत सारे थे ही हैं, और बस थोड़े से रह रहे 8-9 डब्बे रह रहे हैं, और ली रही थे सेट बहुत बड़ा सेट था इनका, और ये सब इतने महंगे दिए थे मस्त हैं, मतलब शुरू में जब हमारी शादी थी हम बहुत कुछ ले आए थे बहुत कुछ, पर इतना महंगा दिया था कुछ सामान तो मैं बहुत कुछ ज़्यादा, पर कुछ डब्बे तो अभी भी रह रही हैं, ऑनलाइन भी वही मैंने मंगाए थे वो मैंने उल्टे दे दिए क्योंकि वो एक सर ही थे सारे डब्बे, मैं काले चने मंगाए थे, मैं कहीं करूँ तो इतना कुछ सब्जी बना के देनी पड़ेगी उड़े, एक रोज देना पड़ेगा खाना मिस्त्री लाके वगैरह, मैं कुछ ना कुछ मैं कभी काले चने बना दिए कभी दाल बना दी कभी सब्जी बना दी, तो सब्जी बहुत महंगी हो रही, और बच्चे सोन लग रहे हैं, मैं उनका जल्दी जल्दी कर लो काम, जब बच्चे उठ गए नहीं फिर तो मेरा कुछ भी काम को नहीं बनता ऊपर से, और मशीन ना कल दो कपड़े ना परसों ने कपड़े और मशीन में बहुत ज़्यादा कपड़े की लाटा नहीं तब तक उन्हें ठीक है, ये प्याज मंगाए थे थोड़े से मंगाई, चल कोई बात नहीं तो थोड़े से लिया फिर ले आऊंगी, प्याज काट दो ना थोड़ा सा छोटे जल्दी, अरे मेरा बतेड़ा दुकान में पड़िया दुकान में सोन लग रहा मन उड़ता तो काट दिया मगर पूरा नहीं बस सोए कर और सोए कर दुकान में पूरा मारा दिमाग खराब मन तो मेरा तो भाई तड़की काम करना और मौकदा फिर था मन सोन नहीं देती कान में, तो उसके बात करके भी सर ने दर्द दर्द
सच्ची बात में बोलने की हिम्मत बने, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मैंने, और अभी तो शुरुआत आ रहा कि बुखार होगा। सच्ची मेरे गले में दर्द हो रही, मेरे बोल जान जा रहा है, यहाँ दिक्कत हो रही है सबसे ज़्यादा, रात ये हो रही। गर्म पानी करके नमक वाला पानी वो पीऊँगी, उसके गरारे करूँगी थोड़ा सा, हो जाएगा आराम। भाई मैंने तो दाल बना दी है और साथ में कपड़े धोने के लिए मशीन चला दी है, और मम्मी बनाने की रोटी आ गई बूंद, कोई भी भरोसा नहीं है, कदबाद दो चार रोटी मैंने उधर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पानी भरना था, मम्मी को लगाना पड़ेगा खतरा छतरी में, तो बहुत कुछ नहीं है। तो वही रोटी बनानी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर मम्मी गैस पर रोटी बना दी तो क्या बोलते हैं फिर दाल के लिए लेट हो जल्दी, फिर मैंने दाल बना ली, मम्मी ने रोटी बना दी, गुन्नू भी तैयार करना मैंने स्कूल के लिए, तो आज उसका बर्थडे है तो आज दूसरे दूसरे कपड़े बनाने, इतना खुश हो रहा हो तो ना, मैं ये नहीं करूँगा, मैं तो खोजी वाले पैर कर जाऊँगा, मैं करना हुए पैर नहीं मम्मा, अरे बेड में खोजी वाले पैर जुलूस काट रखा, आज तेरे छोरे का जन्मदिन, तेने शर्म आ थोड़ी सी भी, अगर तो नहीं आया मैं पापा के पास जाऊंगा, पापा के पास जाऊंगा, तेरे फूफे ने मेरा और किसने मेरा है, तो उसकी माँ जनन ने मेरा क्यों बात, उस काम कर लगा तो उसका बाप नहीं, मेरे कोई बच्चे नहीं, खड़ा उन्हें खड़ा, और किसके बच्चे ही है, किसी और के बच्चे है, तेरे शर्म आओ इसी सी बात हुआ तो इधर आ तुम बेटा, डरा नहीं मैं उड़ी हूँ, आजा देख कितना बढ़िया लग रहा है मेरा बेटा, बहुत जी बना रखे, पर इस तरह को नहीं शर्म, अपने बच्चों ने देख के भी नहीं रहती, दूसरों के बच्चों ने देख के आती है, यू बेशरम इंसान, थोड़ी तो शर्म कर ले तेरे बच्चे का जन्मदिन आज, हाँ लोग तो दस हैं बच्चों के लिए, जिनके बच्चे नहीं है नहीं उनसे जाके पूछ, ना बाप बने तो रहने दे भाई, इसने मैं बहुत दुखी कर रखी शादी पे, मेरा ऐसा जी कर रहा है, इसने इसका जी कर, इसका लठ लेके इसे मारू, इसे मारू कि 10 दिन तक यूं सुता नहीं उठा, और ना इसने टिकड़े दे दे इसको, ये खबर ना रात दिए, पैसे चाहिए चाहिए पैसे, तू बोलता ना कितना चाहिए पैसे, चाहिए पैसे, चाहिए चाहिए पैसे, चाहिए पैसे, कोई कमी नहीं है, देख देख तेरी माँ ने देखा मेरा ना जी से तो ले आ रहा है, रुक मत मारना इसके गुन्नू, तू पागल है के सही हो जाएगी, अरे मत कहो मत करते ले आता नहीं है पीछे, जो तो घर का खर्चा तो नाल बात तेरे पे पीस ही नहीं, काट ले बाप बिचारे, काट मुंह ले रुक जा, इसकी सी तीसी करा रखी है, धुरा ले को जी पाड़ूंगी, न्यू पता तेरे करते ले आई पीछे, मेरे पे पीछे कोई कमी नहीं है, आज तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आज तो बोलिया भी नहीं जा रहा, और मम्मी और गुन्नू भी स्कूल से आगे है, आगे भाई भाई हम भी, मैंने भी रोटी बनाई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था करण का, बड़ी मुश्किल था करया, और जिस दिन मतलब कुछ हो है नहीं उसी दिन काम भी ज़्यादा हो जाए, और काम का हो जाए मैं तो आज नहीं हो रहा, चक्कर आ जाएगा, 3-4 बारी दवाई ले ली सुबह से, पर थोड़ा सा आराम हो रहा था बस, सुबह एक बारी वो मैंने खाली पेट दवाई ले ली, कुछ खाया कौन था जब अच्छे तो मेरे चक्कर से आओ है, फिर मैंने थोड़ा सा खाना खाया जब अच्छे, एक बारी और दवाई ले ली, पर मेरे तो ऐसा लगा दवाई खा के मैं तो दुगना मतलब बढ़ रहा बुखार सब, इतना भी सारे शरीर में इतना मतलब दर्द हो रहा नहीं, बहुत ज़्यादा से कांटे से चुभने लग रहे हैं आज, और गर्दन में भी रात तक की अभी मतलब सही तो नहीं खराब हो रहा नहीं, इसकी वजह तो हो रहा सभी का नहीं हो रहा, गोलू भी ऐसे करने लग रहा, सारे का नहीं हो रहा, मौसम चेंज सा नहीं हो रहा, पंखे अरे एसियाँ चल रहा, उनकी वजह तो ये हो रहा है, मेरी तो इतनी तबीयत खराब हो रही भाई, और मैंने आज से कमेंट पढ़िया था, मेरी बहनों के कमेंट आए थे
कि थारे रिश्तेदार क्यों नहीं आंदे तेरे मम्मी, चलो थारे रिश्तेदार थारा साथ ले, तेरे मम्मी पापा क्यों नहीं आंदे। तो भाई मेरे मम्मी पापा भी आकर क्या करेंगे, मेरे पापा आप लोगों को पता है कितने बार मेरे पापा आ लिए, मेरा भाई भी आया था और फिर नहीं हुए थे भाई कि तेरे तारे इतना प्यार आपस में, तेरे चाचे और तेरे चाची क्यों नहीं कुछ कर दे। अरे भाई वो वीडियो मेरे को नहीं आना चाहते, इसलिए मैं उनकी वीडियो को बना दे। मम बहुत मतलब बहुत समझा हुआ मेरे पति ने, बहुत ज़्यादा इतना धमका लिया, पीट लिया, पता नहीं के कुछ कर लिया। और मेरे मम्मी पापा भी क्या कर सकते, मेरे मम्मी पापा आए भी थे, मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत समझा उड़ा गया था, मतलब लेट जब मेरे पापा ने उसको मारा तक फिर भी नहीं उसके अकल आई। तो ये आप लोग बताओ भाई, ये मेरे को लास्ट हुआ है कि भाई मैं उड़ता चली जाऊँ इस घर ने छोड़ के, पर यूँ हो को नहीं सकता क्योंकि मैं अपने बच्चे ने छोड़ के जा को नहीं सकती। मैं क्यों जाऊँ भाई, जब मेरी कुछ गलती नहीं, हाँ भाई जी मेरी कुछ गलती होती फिर तो मैं इस घर ने छोड़ कर जाती। मैं खुद कमान लग रही हूँ, मैं अपने बच्चों ने खुद पालन लग रही हूँ, जैसा कैसा मेरे पे लग रहा है मैं सब कुछ करने लग रही हूँ। और फिर भी मतलब कमेंट करा है कि तेरे चाचर क्यों नहीं आते, बहुत समझा भाई मैं चाचर बहुत समझा, मैं समझता को नहीं अगला के करा। फिर आप लोग बताओ रिश्तेदार भी भाई सारे जोर ला लिए, कितने कितने बार मेरी बुआ रा ली, मेरी दीदी आ ली, मैं समझदा ही नहीं। जब आप लोग खुद बताओ इस इंसान का के समझान में घाटा गल रखे के इतने समझावा रो करो, जब अगले का बुद्धि भ्रष्ट हो रही, अगले ने मेरा ने के दिखाई दे रहा के खड़ा रखे ऐसा जो इसका नहीं हो, थोड़े दिन ठीक रहो फिर नहीं हो जाए, थोड़े दिन ठीक रहो फिर हो जाए। मैं तो खुद भी मैं तो मतलब आज तो मैं दिमाग खराब इतना रहा, हर चीज़ दी उतर रहा बिल्कुल जो जो से रो ली हूँ बस, कोई मतलब थक गए भाई रोज रोज के इस तरह रोज रोज आसाने बार काटूंगा या टेंशन इतनी है। चलो आप लोग देखो मम वीडियो बना रहा हूँ खेल दे रहा, पर वो तो मैंने बताऊ मम अंदर तक कितने दुखी है, कितने परेशान हो रहे हैं वो तो हमें पता है ना। आप लोगों को क्या पता है, एक बार मेरी जगह खड़े होकर देखो फिर पता लगता है, पति साफ नहीं रहता सही बात है। और न्यू को था इस घर से बाहर काटूंगा, घर भी बनाना मानने वाने सब कुछ करना, पर कैसे मतलब समझ ही नहीं आ रहा, ये तो हिम्मत ही नहीं रही, तो न्यू लग गया बस पड़े रहूँ बस, ना किसी के लोग बात करने का मन करता ना कुछ, और बच्चे भी इसे ही हो रहे, बच्चे की तबीयत भी नहीं ठीक, पता नहीं के हो रहा सारे घर में, सारे निमेड़ हो रहे, मम्मी की कमर में दर्द, खुद ही खुद मैं तो पिछला लाला का थक ली जमा, कोई हो तो बता दे रो कर दे, मैं तो जितनी बार वो करूँ पहले दो दिन हो मेरे तो रेस्ट बतावा, मेरे पर रेस्ट नहीं होता, स्कूल में भी जाना पड़े, स्कूल में ना जाऊँगी तो आगे वहाँ तंग हो जाए, मेरे तो एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकती मैं, हले फिर मेरा डॉक्टर ने लग जाए कह रेस्ट कर दिए, नहीं तो भाई रेस्ट बिना फिर कैसे ठीक होगी। आप लोग तो चलो कमेंट कर दो जो आप लोगों के मन में हुआ बात, भाई आप लोग भी सही हो, पर जो मतलब बोलने एक बोलने का वो अलग होता है कि बोलना तो आसान हुआ पर उसे करना बहुत मुश्किल हुआ। आप लोग को अभी यूँ कर दो पर बहुत ही मुश्किल मतलब दिमाग